हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज अमन हियर बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज आ चुके हैं अपनी सीरीज की वीडियो नंबर 71 पर, जहां पर अपना जो चैप्टर चला था कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसको कंटिन्यू करने वाले। अब इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो था देख लिया, जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, तीनों तरह की एक्टिविटीज का फॉर्मेट क्लियर कर लिया। आज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जिससे कि अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन सी नहीं आती, उसका न्यूमेरिकल पोर्शन कैसे सॉल्व करना है वो समझ जाएंगे। ठीक है, अब उन क्वेश्चन लगाने से पहले आप लोगों से माफी मांगना चाहेंगे कि होली पे दो दिन की छुट्टी मांग करके हमने तीन दिन वीडियोस अपलोड नहीं करी हैं। कुछ काम आ गया था होली पे, काफी सारे गेस्ट वगैरह आते रहे जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाया, तो उसके लिए सॉरी है। ठीक है, तो अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं और फटाफट से आगे बढ़ते हैं ना। तो देखिए, आप ही लोगों की बुक का है क्वेश्चन, डीके कॉल का क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए, बता रखा है कि हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करनी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालना ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। ठीक है, और प्रॉफिट दे रखा है ड्यूरिंग ईयर 2,50,000 हमको प्रॉफिट दे दिया। अब हमको इसमें चीज़ें देखते हैं आगे क्या क्या दे रखी हैं। डेप्रिसिएशन दे रखा है फिक्स एसेट पे, ये कहाँ का होता है डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन होता है वो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है ऑपरेटिंग में, तो डेप्रिसिएशन वहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। फिर अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल है हमारा, ये भी कहाँ का है? ये भी वही नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये भी वही लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी वहीं का है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, ये भी वहीं पर चला जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक है, इन्वेस्टिंग में और भी जगह जाती हैं ये सारी चीज़ें, पर अभी ऑपरेटिंग की बात हो रही है, तो ऑपरेटिंग में जहाँ जाता नहीं उसकी बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग में ये वहाँ चला जाएगा। उसके बाद नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए, ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है 2017 में जो कि 22,000 का था, 2018 में 23,000 का हो गया है। ये हमारे ट्रेड रिसीवेबल क्या हुए? इंक्रीज हुए, एसेट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, क्या करना है उसका अभी बाद में बताते हैं। ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है 15,000 से 10,000 की हो गई, कम हो गई है। फिर प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी हमारे करंट एसेट्स हैं, ये हमारे क्या हुए हैं 6,000 से 4,000 के, ये एसेट्स हमारे डिक्रीज हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर अपनी हेडिंग डाल लेते थे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऐसे करके हेडिंग डाल लेते थे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है, है ना। उसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो नेट प्रॉफिट हमको दे रखा है बिफोर टैक्स वाला 2,50,000, तो नेट प्रॉफिट ले लो, 2,50,000 आ गया नेट प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद हम लोग हेडिंग लिखते थे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, जगह की कमी थी, छोटा छोटा लिख दिया है। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन कौन सी चीजें आने वाली हैं। अपने डेप्रिसिएशन दे रखा है फिक्स्ड एसेट पे, डेप्रिसिएशन हम लोग क्या करते थे, एक दो कॉलम बनेंगे यहाँ पे, एक ऐड का होता था और लेस होता, पहले ऐड वाली सारी चीज लिख लेते हैं। देखो भाई, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट पे, फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, क्या करेंगे फिक्स्ड एसेट डेप्रिसिएशन का? डेप्रिसिएशन लगा है, वैल्यू किसी चीज की कम हुई है, क्या कैश गया हमारे पास से? डेप्रिसिएशन लगा, वैल्यू हमारे एसेट की कम हुई है, क्या हमारे पास से कैश गया है? नहीं गया है, तो कैश नहीं गया था, क्यों माइनस किया? अभी क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहां पे ऐड कर लो भाई, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, तो शॉर्ट में लिख दे रहा है फिक्स्ड एसेट, कितना 10,000 का अंदर लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, गुडविल में वैल्यू कमी हुई, गुडविल की वैल्यू कम हुई है पर कैश नहीं गया है, बिल्कुल उसी तरह इंटेंजिबल एसेट में डेप लगा लो, समझ लो। ठीक है, ऑफ गुडविल कितने का? ये 5,000। ठीक है जी, उसके बाद लॉस ऑन द सेल ऑफ मशीनरी, मशीन पे लॉस हुआ है, मशीन को बेचा वहां पे लॉस हुआ, पैसे कम है। ठीक, पर ये है कहाँ का? ये तो इन्वेस्टिंग का ना, तो अभी तो ऑपरेटिंग चल रही है, ऑपरेटिंग में कोई काम का नहीं, तो इसको लॉस को कर रहा हूँ ऐड, जब बाद में लेस होगा तो वहां पे कर देंगे उसको इन्वेस्टिंग में। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने का? 7,000 का, ये अपना लॉस हो गया। ठीक, उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड है, प्रॉफिट हुआ है, अभी लॉस था तो उसको ऐड किया, प्रॉफिट होगा तो उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो इसका काम यहीं पे खत्म हो गया। ये कितना हो गया, 10, 5, 15, 15 और 7 हो गया 22,000। तो ये 22,000 हम लोगों ने बाहर कर लिया। ठीक है, ऐड ऐड वाला, अब लेस की एडिंग डालते हैं फटाफट से, मैं मार्कर बदल बदल डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखता रहे। ठीक है, ये अपनी लेस वाली एडिंग अभी। ठीक, अब क्या लेस करना है, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ लैंड, प्रॉफिट हुआ है, करो भाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड कितने का भाई प्रॉफिट हुआ? 3,000 का प्रॉफिट हुआ है, अभी क्या करना है लेस, तो लेस वाली चीजें ब्रैकेट में करके लिखते हैं। ठीक, अब इतने का कैलकुलेशन कर लो, कितना हुआ ये 2,50,000 और 22,000, उसमें से माइनस करना 3,000, 19,000 प्लस कर लो 2,69,000 आ गया ये। ठीक है, ये क्या है अपना, ये आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग
प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, मैंने शॉर्ट में लिखते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है, ये अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हो गया, ठीक। अब देखिए, अब हमको नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये तीन तीन चीजें दे रखी हैं, एक ऐड हो रहा है, एक लेस हो रहा है। इनके लिए हमने एक ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक अगर याद ना हो तो दोबारा से देख लो। अगर लायबिलिटी लायबिलिटी हमारी इंक्रीज होती थी, लायबिलिटी इंक्रीज होती थी तो उसको और इंक्रीज यानी कि प्लस कर देते, लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती थी, लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती थी तो उसको और डिक्रीज यानी कि माइनस कर देते थे, ठीक है। एसेट के साथ क्या करते थे, एसेट इसके अपोजिट, एसेट अगर इंक्रीज होंगे, एसेट अगर इंक्रीज होंगे तो उनको डिक्रीज कर देंगे यानी कि लेस कर देंगे, ठीक। एसेट अगर डिक्रीज होंगे यानी कि कम होंगे तो उनको ऐड कर देंगे यानी कि बढ़ा देंगे, ठीक है जी। ये सीखा था तो बस वही करने जा रहे हैं, तो पहले ऐड वाले आइटम लिखेंगे, क्या क्या ऐड होने वाला देखते हैं। ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, 22,000 से 23,000 हो गया, इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज हुआ, क्या करना है हमको, एसेट इंक्रीज हुआ है तो लेस करना है, अभी तो नहीं करेंगे तो लेस में लिखेंगे, लेस वाला यहां पर डाल लेते हैं, लेस में इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल है ना, ट्रेड रिसीवेबल कितने का, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुआ है 1,000 इंक्रीज हुआ है तो 1,000 लिख लो, पर ये माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, लेस का साइन, ठीक। उसके बाद ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल अपनी लाइबिलिटी होती है 15,000 से 10,000, लाइबिलिटी कम हो गई, लाइबिलिटी कम हुई है तो हम और क्या करेंगे, उसको भी माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे लिख दो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल कितना हुआ है 5,000 का, तो 5,000 की यहाँ पे लाइबिलिटी कम होगी, ठीक है भाई। इसके आगे देखो, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है, 6,000 से 4,000 के हो गए, एसेट हमारे डिक्रीज हुए, एसेट डिक्रीज हुए हैं, कहाँ गए, ये एसेट डिक्रीज हुए तो ऐड करना है, तो ऐड वाले में लिखते हैं डिक्रीज इन क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड पेड है, पी प्रीपेड एक्सपेंस कितने का डिक्रीज हुए हैं, 2,000 के डिक्रीज हुए, तो ये 2,000, ठीक है, ये अकेला तो सीधा बाहर लिख लेते हैं इसको, है ना, बस तो ये हो गया 2,000 और इसको कर लो ये हो गया 6,000 ब्रैकेट वाला यानी कि माइनस का, ठीक। अब इसका प्लस माइनस कर लो, 2 में प्लस किए 71 में माइनस किए 2,65,000, कितना 2,65,000, तो ये आ गया अपना नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, फ्रॉम क्यों लिखा है, क्योंकि ये प्लस में, अगर ये माइनस में होता तो यहां पे लिखते नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसको इस वाले कॉलम में ट्रांसफर कर लो, यहां पर लिख लो 2,65,000, गंदगी 2,65,000, ठीक है, इसको नोट कर लो, ये भाई फॉर्मेट सीधा है, ये बीच में गया सब कुछ, इसको हटा देते हैं, चलो ठीक है, ये सिंपल सी चीज आ गई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हमने देख लिया, फटाफट से इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, अब अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट से पहुंचते हैं, इसको फटाफट से हटाते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, अब अगले क्वेश्चन बात चुके हैं, आप ही लोग बुक का एक क्वेश्चन है, डीकेक्यूएल का, आप लोगों की स्क्रीन पे देख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, हमको दे रखा है प्रॉफिट 2,00,000 रुपए का, ठीक है, ये सारे चार्जेस करने के बाद देख लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमको उसमें दे रखी है चीजें, डेप्रिसिएशन दे रखा है, डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, नॉन करेंट नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है उसमें डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर लॉस ऑन द सेल ऑफ फर्नीचर है, इसको भी ऐड करेंगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। फिर अमोर्टाइजेशन यानी कि डेवलपमेंट कॉस्ट अमोर्टाइज हो रही है, कम हो रही है उसकी वैल्यू, पर कैश नहीं जा रहा है तो उसको भी नॉन कैश आइटम्स में ऐड करने वाले हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन बनाया है पर पैसे नहीं गए, आउटफ्लो नहीं हुआ कैश का, तो उसको भी नॉन कैश एक्टिविटीज में ऐड करेंगे, ठीक है। फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्सेशन से रिलेटेड चीज़ें वर्किंग नोट में जाती थी, याद है, तो हमारा हमको यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट लिखना होता है वो बिफोर वाला लिखना होता है, बिफोर टैक्स वाला, तो इसको हम लोग टैक्स को वहाँ पे करेंगे इंतजाम इसका, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये भी वर्किंग नोट का हुआ करता है। गेन ऑन द सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी पे गेन हो रहा है, अगर पिछली वीडियोज में पिछले वाला क्वेश्चन जो था उसमें देखा था लॉस हुआ था तो उस लॉस को क्या करते थे, ऐड कर देते थे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, यहाँ पे गेन हो रहा है तो गेन को वहाँ पे लेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे इन्फॉर्मेशन और दे रखें, ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है जो कि इंक्रीज हुआ है 90 से 1,00,000 का हो गया। ट्रेड पेएबल लायबिलिटीज 41 से 60 हो गई, 19,000 बढ़ गई। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी
5000 से 1000 की जाएगी, यानी कि लाइबिलिटी कम हुई है। फिर प्रीपेड एक्सपेंस 2000 के इंक्रीज हुए, पहले कुछ भी नहीं थे अब 2000 के हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दे रखी, तो फटाफट से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले क्या करना है, हमको वर्किंग नोट बनाना है। तो कुछ नहीं करना, एक छोटा सा ऐसे का डब्बा बना ले लो, ठीक है बस, ठीक है। सबसे पहले ऊपर लिख लो नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ये आफ्टर वाला है, ठीक है। हमको दे रखा है 2 लाख रुपए, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर वाला, कितना 2 लाख रुपए दे रखा है, यहाँ पे लिख दो भाई 2 लाख, सही है। इसमें हमको क्या क्या करना है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, दोनों को फटाफट ऐड कर लो। क्या क्या ऐड करना है, ऐड डाल देते हैं हेडिंग, ऐड लिख करके कर दो प्रोविजन फॉर, प्रोविजन फॉर टैक्स और ट्रांसफर फॉर टू जनरल रिजर्व, कितना कितना है भाई, 40 और 20, 40,000 है और 20,000 है, तो 40,000 तुम आ जाओगे, 20,000 तुम आ जाने वाले हो, तो ये हो गया अपना 2,60,000, कितना 2,60,000। ये क्या आ गया अपना, ये आ गया है जिसकी चीज़ की हमको जरूरत थी, नेट प्रॉफिट, पर वो तो पहले ही से था, पर ये बिफोर वाला है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि हमको यहाँ पर चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया है, 2,60,000 रुपये है। और कहाँ से आया ये आया अपने वर्किंग नोट से, तो यहाँ पे डाल दो वर्किंग नोट, अगर ज़्यादा वर्किंग नोट है तो नंबर भी डाल देना, वर्किंग नोट नंबर 1 है तो यहाँ पे भी वर्किंग नोट नंबर 1 डाल देना, ठीक है। अब ये कुछ हेडिंग्स जो है वो मैंने लिख ली है, ये हेडिंग्स भाई इसलिए लिख ली है कि ये हेडिंग्स जो है लगभग हर क्वेश्चन में सेम ही रहती है, लगभग क्या सारे क्वेश्चनों में सेम रहने वाली, इसके अंदर की जो चीज़ें वो चेंज होती रहती हैं, तो इन हेडिंग्स को लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो लंबी ना हो, इसलिए हेडिंग्स को पहले से लिख लिया है। और मेरी राइटिंग तो आप लोग जानते हैं बहुत खराब है, तो उसको लिखते टाइम और खराब हो जाती है, तो उससे बचने के लिए मैंने ये हेडिंग्स पहले से लिख रखी है, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं आगे की चीज़ें क्या क्या है। तो हमको नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वेटिंग से पहले ऐड डालते हैं, जो कि हमको चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, है ना। इसको रख देते हैं ब्लैक वाले से लिखते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले है डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है भाई। तो डेप्रिसिएशन क्या करते थे, ऐड करते थे, तो कर दो भाई डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है, समझते रहिएगा। 25,000 रुपये डेप्रिसिएशन हो गया फिक्स्ड एसेट पे, ऐड 25,000 रुपये। उसके बाद लॉस ऑन द सेल ऑफ मशीनरी, तो ये भी कर दो लॉस ऑन मशीनरी, कितने का 3,000 रुपये का लॉस ऑन द सेल ऑफ मशीनरी। उसके बाद क्या है, अमोर्टाइज ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट, अमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट कितने का हुआ है, ये 8,000 का ये हुआ है, ठीक। इसके बाद क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन बनाना पड़ गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितने का हुआ, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2,400 रुपये का, ठीक। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आ चुका है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व वो भी आ चुका है, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी इसको क्या करते थे, लेस करते थे, इसका काम हो चुका है, इसको पहले इतना बार कर लो, 25, 3 और 8 ये हुआ 35, 36, 37, 38, 38,400 कितना आया 38,400, तो ये आ गया, ठीक। इसका टोटल बार कर लिया, इसके बाद हमको लेस डालनी है एडिंग, क्या इसमें गेन है, गेन ऑन सेल ऑफ, कुछ सेल किया है, क्या सेल किया भाई, मशीनरी, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने का 9,000, तो ये अकेला है तो सीधा बाहर कर लो 9,000, ठीक। अब इसका फटाफट से प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी कि करंट एसेट करंट लायबिलिटी की जो नोटंकी होती थी उसको करने से पहले वाली चीज़ें आ जाने वाली है, ठीक है। तो कितना का देखो 2,60,000, उसमें ये 9,000 माइनस कर देंगे, 38,400 प्लस कर देंगे 29,000, और ये हो जाएगा 2,89,400, ठीक है, 2,89,400, ठीक है। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, इसके लिए भी एक चीज़ सिखाई थी, दोबारा देख लो, एसेट और एसेट, लाइबिलिटी और लाइबिलिटी, ठीक है। एसेट अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो कम कर दो, एसेट अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो प्लस कर दो, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो और बढ़ाओ, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो और घटाओ, ठीक है। तो बस इतना से याद रखना है, इससे अपना यहाँ वाला काम बन जाने वाला है, ठीक है। तो देखो भाई क्या क्या है, तो दो एडिंग पड़ती थी, एक पड़ती थी ऐड वाली और दूसरी पड़ती थी लेस वाली, है ना जी। तो ये दो एडिंग बड़ा करती थी, चलो ठीक है करना शुरू करते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल अपना सबसे पहले एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल 90,000 से 1,00,000 का हो गया, इंक्रीज हुआ एसेट, एसेट इंक्रीज हुआ, यानी कि ये वाला किस क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पे लिख दो इंक्रीज इन
ट्रेड रिसीवेबल शॉर्ट में लिख दिया मैंने 10,000 रुपये का, सही है जी 10,000, 10 और बढ़ाओ, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो गया 10,000 के। इसके बाद ट्रेड पेबल लाइबिलिटी 41 से 60 हो गई, यानी कि लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो ऐड करना है, तो यहाँ पे लिखो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, कितने की इंक्रीज हुई है, लाइबिलिटी अपनी इंक्रीज हुई है 19,000 की, तो लाइबिलिटी आगे 19,000 की, ये ब्रैकेट भी नहीं जाएगा क्योंकि ये हो रहा है एड, लेस वाले ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है, देखो ये वाला लेस भी ब्रैकेट में लिखा था, तो लेस वाले सारे ब्रैकेट में लिखना है। आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 के थे, अब 1,000 के हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है तो क्या करना है, लेस करना है, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कितने के 5 से 1, यानी कि 4,000 का यहाँ पे भी हो गया, ठीक। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं, एसेट होते हैं, एसेट क्या हुए, पहले कुछ भी नहीं थे, अब 2,000 हो गए, यानी कि एसेट इंक्रीज हुए हैं, तो क्या करना है, लेस करना है, यहाँ पे लिखो इंक्रीज इन क्या है, प्रीपेड है, हाँ प्रीपेड एक्सपेंस, कितने के 2,000 के, ठीक है 2,000 है, तो इनको भी बाहर कर दो, इनको भी, तो अकेला 19,000 था तो सीधा सीधा बाहर जाना चाहिए था, कोई बात नहीं, लोगों ने लिख लिया है, तो 19,000 ये बाहर हो गया और ये हो गया 16,000 ब्रैकेट में, तो ये 16,000 आ गया, ठीक। इसका इंतजाम फटाफट से कर लो, क्या आएगा भाई 3,000 बस प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 1916 तो 3,000 प्लस किया तो ये हो गया 2,92,400, कितना 2,92,400। अब यहाँ पर अपना आंसर आ जाना चाहिए था, बट एक चीज़ की दिक्कत है, ये देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अगली साल के लिए प्रोविजन बनाने, आने वाली जो साल है उसके लिए प्रोविजन बनाया जा रहा है, आने वाली साल के लिए प्रोविजन बनाया जा रहा है, इस साल भी तो टैक्स दिया होगा, इस साल कितना टैक्स दिया जाएगा, अब ये हमको नहीं पता, क्वेश्चन में अगर कहीं मेंशन नहीं है तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि आने वाली साल के लिए जो प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया जा रहा है, जो अगली साल के लिए टैक्स दिया जा रहा है, उसके लिए गुल्लक बनाई जा रही है, इस साल भी उतना ही टैक्स पे किया होगा, तो यहाँ पर उसको करना पड़ेगा लेस, तो उसको भी कर दो लेस, लेस पेमेंट फॉर टैक्स, कितना, जितना पिछली साल अगली साल आने वाली साल के लिए बना रहे उतना ही इस साल हम लोग कर देंगे पे, तो यहाँ पर 40,000 रुपये कर दो पे, ठीक है जी। तो हमारा आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अगर यहाँ पे प्लस में आ रहा है, हाँ प्लस में ही आ रहा है, तो प्लस में अगर नहीं आता तो हम लोग यहाँ फ्रॉम हटा करके यूज डी लिख लेते, ठीक है, तो फिलहाल तो अपना प्लस में ही आ रहा है तो माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 2,52,000 है ना, तो 2,52,400। अब इस वाले को उस वाले कॉलम में लिख दो 2,52,400। इधर शाइन बन रही होगी तो देख लीजिए, लिखा हुआ है नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्या है नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2,52,400, सही है क्या, सही है, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, फटाफट से पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर बात करते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक सी चीजें थी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की जो कि हम लोगों ने खत्म कर दी, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट रह जाता तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में डाल दो या फिर ये इंस्टाग्राम आईडी, ठीक। अब अगली वीडियो में देखेंगे जहां पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाद जो आती थी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, उनको फटाफट से सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपने और अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय।